धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्ला कामो लाभाय हि स्मृतः धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते धर्म का अर्थ अपवर्ग है, नार्थोर्थायोपकल्पते अर्थ के लिए धर्म न करो, और अर्थ भी कमाना है तो नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, अर्थ भी कमाए तो धर्म के लिए, कमाई भी करें तो इससे हमारा धर्म पुष्ट हो, हम धर्म करें। भगवान तुम्हें देते ही इसलिए हैं कि इस व्यक्ति को दूंगा तो ये धर्म करेगा, ये अच्छे कर्म करेगा। भगवान धन उसी को देते हैं जिस पर प्रभु का भरोसा। भगवान को ये है कि इस व्यक्ति को दूंगा तो ये इसका ठीक यूज करेगा, नहीं तो उसको पता नहीं कि इसको 4 रोटी चाहिए, पर वो 20 रोटी इसलिए दे देता है कि ये 2 खाएगा और 18 बांटेगा। तो नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः, अर्थ धर्म के लिए है, कामो लाभाय हि स्मृतः कामनाओं की पूर्ति, एक पूर्ति के लिए नहीं। और वह कामना भी इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये जीवन में मिला है तो उस तत्व को जानने, आज का थोड़ा सा टफ है, कुछ कम समझ में आ रहा है ना, ये भागवत का आरंभिक है, थोड़ा सा भूमिका बनानी पड़ेगी। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयम्, जीव का परम कर्तव्य है उस परम तत्व को जानना, और उस तत्व के रूप अनेक हैं, रंग अनेक हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयम्, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति सभ्यते। उसको कोई ब्रह्म कहता है, कोई उसको परमात्मा कहता है, और उसी को भक्त लोग भगवान कहते हैं। योगी उसको ब्रह्म कहते हैं। आनंदो ब्रह्मे दिव्य जानीयात, उसी को ज्ञानी परमात्मा कहता है, बोले वो परम पिता है, परमात्मा है, उसका आना नहीं होता, वो तो निर्गुण निराकार है। पर नहीं, भक्तों की भावना को पुष्ट करने के लिए वही हर देश में आता है, हर वेश में आता है, अपने अनेक नाम बनाता है, अनेक रूप बनाता है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। अनन्यता हो भगवान के चरणों में, पर अनन्यता का तात्पर्य ये नहीं कि हम निर्गुण निराकार को तो माने और सगुण को, यानी मूर्ति पूजा पाखंडवाद है। अरे भाई, भले आदमी,
वेद में भगवान राम की उपासना की विधि है। वह निर्गुण निराकार भी है। यदि वो बाध्य हो जाए, यदि वो बंधन में आ जाए, तो फिर वो भगवान नहीं हो सकता, तो फिर वो परमात्मा नहीं हो सकता। वह परमात्मा है, वह परब्रह्म है, वह भगवान है, क्योंकि वह स्वतंत्र है। हम बंधन में हैं, हम बाध्य हैं। हम अभी गाजियाबाद में हैं, दिल्ली नहीं जा सकते। एक सीमा है, एक मर्यादा है, पर भगवान तो अनेक रूप धारण करता है। उसको हम कैसे कह सकते हैं कि वो सगुण नहीं हो सकता। ये एक सीढ़ियां है। जिसने मूर्ति पूजा में प्रभु को नहीं देखा, उसको कण कण में कभी दिख नहीं सकता। अरे जिस बच्चे ने क ख ग घ नहीं पढ़ा, वो आगे जाकर के कॉलेज में क्या करेगा। इसलिए मूर्ति पूजा जो है वो बच्चों को आरंभिक शिक्षा है। पहले एक सीमा है कि भाई मंदिर में भगवान है। जब उसकी रुचि बन जाएगी कि मंदिर में भगवान है, उसको प्रेम होगा, तब वही गुरु वही माता पिता कहेंगे, बोले बेटा मंदिर में नहीं, इस जीव में भी भगवान है, इसको मारना नहीं। कहते हैं ना माता पिता, बोले इसको मारना नहीं, इसमें भगवान है। थोड़ी सी और कक्षा ऊपर हुई, फिर कहते हैं वो हर जगह है। बस फिर धीरे 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 हमारा स्तर बढ़ता चला जाता है। हम लोग उल्टा करते हैं, बोले कर का मन का छोड़ के मन का फेर। जिसने कर के मन के पे नहीं जपा, उसका मन का जप नहीं सकता। ये अभ्यास है, जब तक अभ्यास नहीं करोगे तब तक मन से जप कर ही नहीं सकते। इसलिए पहले ये पहली सीढ़ी चढ़ो, उसके बाद फिर चौथी पे पहुंचोगे।